लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से सेठ धोलागढ़ में स्थित धोलागढ़ माता के मंदिर पर बंदरों के भारी संख्या में मौजूद होने से श्रद्धालुओं में भारी भय व्याप्त है। वहीं आंतरिक बंदरों द्वारा दर्जनों दर्शनार्थी भक्तों को काट कर घायल कर देने से मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है, जिससे मंदिर में बंदर दिन भर उत्पात मचाने के अलावा मंदिर में रखी सामग्री को तोड़ फोड़ करते रहते हैं। धोलागढ़ मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत शर्मा एवं परिसर में बने भैरू बाबा मंदिर के पुजारी सौरभ शर्मा ने वन विभाग सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों से माता के मंदिर परिसर के पकड़ कर अन्यत्र जंगल में छोड़ने जाने की मांग की है। लोगों का बहुत ज्यादा आतंक है यहाँ पर, यात्रियों को परेशान करते हैं, आने जाने वालों को सबको परेशान करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों सुना है कि एक आध यात्रियों खा के घायल भी कर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यात्रियों घायल कर चुके हैं बंदर खा। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से ये मांगे तो या तो कहीं सर्च काम वगैरह में छुड़वाओ इनको पकड़वा के, क्योंकि बहुत ज्यादा आतंक के साथ यात्रियों को ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। आपका नाम? पंडित सौरभ शर्मा। मेरा लक्ष्मीकांत। अच्छा, ये स्थान कौन सा है? ये माता जी धोलागढ़ जी की माता जी का है। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि बंदरों का आतंक है और अनेक श्रद्धालु घायल हो चुके हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी, बंदरों ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, सीढ़ियों में बैठे रहते हैं, कई धर्मशाला में इधर उधर प्रसाद लेके आते हैं, उनका प्रसाद छीन लेते हैं। अच्छा, कपड़े भी पहन लेते हैं, कईयों को खा भी चुके हैं वो। अच्छा, इस बार ज्यादा आतंक मचा रखा है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। इस बारे में आपने प्रशासन को लिखित में शिकायत दी है कभी? हाँ, पहले हमने शिकायतें की थी लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, हाँ, तो हमारी यही है प्रार्थना कि इनको पकड़वा के नहीं कहीं दूर छुड़वाया जाए। अच्छा, तो भक्तों को आने जाने में कोई परेशानी न हो।